नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विदास में। आज हम बात करने जा रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है इस आर्टिकल में सब चीज ना विस्तार में लिखा हुआ, जैसे 5,000 करोड़ की क्यूआईपी आया हुआ है। क्यूआईपी में जो है इनका बहुत बड़ा ग्रोथ प्लान है, और ग्रोथ प्लान जो है इसमें पूरा डिटेल में लिखा है। सीईओ का जो अनाउंसमेंट है वो भी लिखा है। तो जे क्यूआईपी में जो है ना 5,000 को फंड रेसिंग किया जा रहा है, और इसमें जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के जरिए किया जा रहा है। और ये जो फंड यूज किया जाएगा ना, इसका ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखने को मिलेगा। जैसे इनका ना ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट मैनेजर जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे पार्टिसिपेट मतलब कि एक तरह से ना क्यूआईपी में अपना हिस्सेदार शेयर्स खरीदे हैं। जैसे जीक्यूजी ग्रुप हो गए, जीक्यूजी ग्रुप जो है ना वो उनको आप इस तरह से जान सकते हो। जैसे अडानी के जब शेयर्स गिर रहे थे, हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तब ना जीक्यूजी ग्रुप थी जो कंपनी ऐसे इन्वेस्ट की थी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और एक अच्छा रैली देखने को मिला था। उसके बाद में ब्लैक रॉक है जो जियो फाइनेंशियल के साथ अपना टाई अप की है एसेट मैनेजमेंट का लॉन्च होने के लिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड होती है बराबर ना, तो ऐसे ना जियो फाइनेंशियल के थ्रू टाई अप हुआ, तो ये हो गया। तो बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ हो गए, जैसे नोमुरा हो गया, वेलिस्टर्न हो गया, यूपीएस, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट हो गया, बराबर ना। तो ये सभी लोग ना पार्टिसिपेट किए हैं क्यूआईपी में। अब आते हैं क्यूआईपी में 5,000 करोड़ फंड रेसिंग करने के बाद में ये करेंगे क्या। तो मेन है पैसा, जब ये पैसा इनके पास आ जाएगा ना, तो इनका पहला काम है डिस्क्लोज करना। और अब प्री पेमेंट ऑफिस डेट, मतलब जो कर्जा पहले से लेकर रखे हुए हैं जो कंपनी चला रहे थे, तो कोई भी कंपनी चालू रहती है ना, तो उसमें पहले ना थोड़ा थोड़ा पैसा कर्ज लेना रहता है, फिर हमें इन्वेस्ट करना रहता है, तो एक तरह से डेब्ट होता है। तो डेब्ट को वो प्री पेमेंट करेंगे, उसके बाद में जो पैसा और यूज करेंगे रिन्यूएबल आर्म्स। और इनका एक नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, तो जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी में वो पैसा यूज करेगा। अब कितना पैसा किसमें यूज करेंगे ना, तो ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो आपको मैं वहां पे लेके चलता हूँ। पहले तो देख लीजिए, इसमें ना पहले तो लिखा हुआ है 5,000 करोड़ जो मिलेगा उसमें से 3,139 करोड़ जो है प्री पेमेंट ऑफ डेब्ट का यूज किया जाएगा। बाद में ना 611 करोड़ यूज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट इन नियो एनर्जी में। फिर बचा हुआ जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो वो जनरल कॉपरेटिव पर्पस में यूज किया जाएगा। तो एक तरह से ना बहुत ही अच्छा इनका विचार है। और तो अभी शेयर्स कितने पे चल रहा है, तो देख लीजिए 606 पे मार्केट पे ट्रेड हो रही है। तो एक तरह से ना बहुत ही ज़्यादा साइड, बहुत एक वन साइड रैली देखने को मिला था। 485 कितना होता है, यहाँ पे होता है बराबर ना, 480 है तो 485 यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर है ना आपको 600 तक का एक रैली देखने को मिला। तो न्यूज़ को हमेशा फॉलो करिएगा, कि कोई भी आप इन्वेस्ट करते हो ना तो न्यूज़ जरूरी रहता है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब जो हमारा है ना, अगर मार्केट बुल चल रहा है तो बुल की तरफ ही हमको रहना चाहिए। 483 का एक सपोर्ट एरिया रहेगा, और आगे का ट्रेंड जो कल भी आपको बताया था वो है पहला हमारा 640, दूसरा रहेगा 680 तक का देखने को मिलेगा सपोर्ट। ये 483 इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से 485 से लेकर एक 606 तक का रैली देखने को मिला, तो साफ साफ कुछ लोग ना प्रॉफिट बुकिंग भी करने लग जाएंगे। तो इसलिए 483 तक का हमको अपना सपोर्ट एरिया रखना है, और उसके बाद में जब एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलता है तो 640 से लेकर 680 तक का देखने को मिल सकता है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।